अनसुने किस्से के इन पलटते हुए पन्नों में चलते हैं उस दौर में जब बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के करियर में एक ऐसा समय भी आया था जब भाईजान की एक नहीं बल्कि 8 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार फ्लॉप हुई थी। हिंदी सिनेमा में मेगा सुपरस्टार सलमान खान को किसी अलग पहचान की जरूरत नहीं है। बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा 100 करोड़ की फिल्में देने वाले किसी एक्टर के बारे में चर्चा की जाए तो वो सिर्फ इकलौते सलमान खान हैं। 1991 में फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाले सलमान खान ने पहली बार 1994 में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी जिसका नाम था हम आपके हैं कौन। इस फिल्म में सलमान खान के साथ माधुरी दीक्षित नजर आई थी। फिल्म ने उस दौर में 72,46,50,000 रुपए का कलेक्शन किया था। इसके बाद 1995 में आई करण अर्जुन भी सुपर ब्लॉकबस्टर रही। शाहरुख के साथ उनकी जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमान के फिल्मी करियर में एक दौर ऐसा भी आया था जब लगातार 3 साल में सलमान खान की 8 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई थी। नवंबर साल 2005 सलमान खान के लिए एक बुरी सौगात लेकर आया था। इस साल सलमान खान और बी टाउन सुपरस्टार करीना कपूर खान की फिल्म क्योंकि रिलीज हुई थी। आलम ये रहा कि सलमान की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद से 3 साल तक सलमान खान की फ्लॉप फिल्मों का सिलसिला शुरू हो गया। फिल्म क्योंकि के अलावा भी ऐसी फिल्मों के बारे में हम आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं जिनमें भाईजान का दर्शकों पर जादू नहीं चला। सावन साल 2006, जाने मन 2006, सलामे इश्क 2007, मैरी गोल्ड 2007, गॉड तुसी ग्रेट हो 2008, हीरोज 2008, युवराज 2008। ये कहना गलत नहीं होगा कि सलमान खान की ये 8 फिल्में दर्शकों के दिलों में जगह नहीं बना पाई। अब सोचने वाली बात है कि लगातार फिल्में फ्लॉप होने के बाद भी सलमान खान ने हार नहीं मानी और 8 बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में देने के बाद इनकी सोई किस्मत डायरेक्टर डेविड धवन की कॉमेडी फिल्म पार्टनर से जागी। सलमान और सुपरस्टार गोविंदा की फिल्म पार्टनर बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। समय पलटा और सलमान खान ने एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दे डाली। इसमें साल 2010 में रिलीज हुई दबंग, 2011 में रिलीज हुई रेडी और 2011 में ही रिलीज हुई बॉडीगार्ड, 2012 में आई एक था टाइगर और 2012 में ही रिलीज हुई दबंग 2 भी शामिल है। 2012 तक लगातार 5 ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद साल 2013 में उनकी कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई। साल 2014 में जय हो और किक 2 फिल्में रिलीज हुई लेकिन लोगों को किक लुभा गई और फिल्म ने धमाल मचा दिया। इसके बाद भाईजान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। ऐसे और भी किस्सों को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल अनसुने किस्से को।